हेलो, गुड आफ्टरनून। आई एम सुमित यादव। जैसा कि हमने कल एक लेक्चर डिलीवर किया था रिंग पर, उस लेक्चर में मैंने आपको बेसिक डेफिनेशन इंटीजर का एग्जांपल लेकर समझाई कि रिंग क्या होती है। मैंने आपको समझाया कि रिंग में 9 प्रॉपर्टीज़ होती हैं और हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को ही सॉल्व करने वाले हैं। तो अब हम कुछ थ्योरम्स सॉल्व करेंगे। उन थ्योरम्स के लिए हमें कुछ बेसिक डेफिनेशन की और ज़रूरत पड़ने वाली है। उन डेफिनेशन को मैं अभी समझाता हूं। जीरो डिवाइजर, शून्य भाजक। हम जो नेक्स्ट थ्योरम अभी करने वाले हैं, उस थ्योरम में हमें जीरो डिवाइजर का उपयोग होगा। इस डेफिनेशन के बिना उस थ्योरम को करना संभव नहीं है। इसलिए अभी हम पहले इस डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि जीरो डिवाइजर क्या होता है। इसके लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि मॉड्यूलो सिस्टम क्या है, क्योंकि यदि हमने एडिशन मॉड्यूलो को समझ लिया तो हमारे लिए जीरो डिवाइजर की डेफिनेशन समझना ज़्यादा आसान होगा। एडिशन मॉड्यूलो क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हमारी घड़ी की बात करें, वॉल क्लॉक की, तो हम जानते हैं कि वॉल क्लॉक में वन से लेकर 12 तक डिजिट अवेलेबल होती हैं। यदि आपकी घड़ी में अभी 7 बज रही है, तो 8 घंटे बाद आपकी घड़ी में कितना बजेगा? अगर देखा जाए, अगर आप 7 में 8 ऐड करते हैं तो आपको 15 मिलता है, लेकिन आपकी घड़ी में उस समय 15 तो नहीं बजेगा, क्योंकि आपको पता है कि आपकी जो वॉच है, जो घड़ी है, उसका मॉड्यूल 12 पर आधारित है। उसकी जो मैक्सिमम डिजिट है वो 12 है, मतलब उस पर जो एडिशन मॉड्यूल अप्लाई किया गया है वो 12 है। तो जब आप इस 12 को 15 से डिवाइड करते हैं, 15 को जब आप 12 से डिवाइड करते हैं, तो आपको रिमाइंडर क्या मिलता है, शेषफल क्या मिलता है? देखिए, 12 वन ज़ा 12, इसको हमने सब्ट्रैक्ट करा, 5 में से 2 गए 3, आपने देखा कि रिमाइंडर हमें 3 मिला। क्या मिला? 3। इसका मतलब यदि आपकी घड़ी में अभी 7 बज रही है, तो 8 घंटे के बाद आपकी घड़ी में 3 बजेगी। कितना बजेगी? 3। ये सब क्या है, इसको अभी हम समझते हैं। यदि हम कोई एक इंटीजर ए लेते हैं और कोई दूसरा इंटीजर बी, और उस पर कोई मॉड्यूलो हम एम अप्लाई करते हैं, जैसा कि इस एग्जांपल में मैंने मॉड्यूलो 12 लिया था। क्या लिया था? 12। इसी प्रकार माना कि कोई एक इंटीजर है ए और कोई दूसरा इंटीजर है बी, और यदि ए और बी को हम जोड़ें मॉड्यूलो एम के थ्रू, तो यहाँ पर जो रिजल्ट आता है वो होता है रिमाइंडर। क्या होता है वो? रिमाइंडर, शेषफल। अब ये रिमाइंडर प्राप्त कैसे होता है? आप ए और बी को ऑर्डिनरी एडिशन के माध्यम से जोड़िए। ए इंटीजर है, बी भी एक इंटीजर है, इसको साधारण योग के द्वारा जोड़िए। जोड़ने पे जो भी परिणाम प्राप्त होगा उसको एम से डिवाइड कीजिए। एम से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर यहाँ बचेगा, जो शेषफल यहाँ बचेगा, वही यहाँ परिणाम में लिखा जाता है। मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। मान लीजिए कि मैंने मॉड्यूलो लिया है 5, एडिशन मॉड्यूलो मैंने लिया है 5। अब यदि मैं 3 में 9 को ऐड करता हूँ मॉड्यूलो 5 लेकर, यहाँ पर एडिशन मॉड्यूलो 5 है। अगर आप साधारण तरीके से 3 और 9 को ऐड करते हैं तो आपको क्या मिलता है? 12। 3 में 9 ऐड करेंगे आपको क्या मिलेगा? 12। लेकिन हमारा एडिशन मॉड्यूलो क्या है? 5। तो जब हम 12 को 5 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? 5 2 10। तो हमें रिमाइंडर में क्या प्राप्त हुआ? 2। इसका मतलब रिजल्ट में हमें यहाँ मिलेगा 2। जैसा कि मैंने अभी इंटीजर मॉड्यूलो 5 लिया, एक एग्जांपल आपको समझाया, मैं कुछ एग्जांपल्स और लेता हूँ ताकि आपको बेटर समझ में आए।
मान लीजिए 9 आपने लिया कोई इंटीजर, और मर्जी से कोई इंटीजर आप और कोई ले सकते हैं, माना कि 17, और इस पर आपने एडिशन मॉड्यूलो 5 अप्लाई करा। अगर आप इसको साधारण योग द्वारा जोड़ते हैं, जो ऑर्डिनरी एडिशन है, तो आप जानते हैं कि 17 में जब आप 9 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 26, कितना हो जाएगा, 26। और जब 26 को आप 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 5 25, तो आपको रिमाइंडर जो शेषफल है वो आपको क्या मिल रहा है, 1। इसका मतलब यहाँ पर 26 से ना आते हुए रिमाइंडर क्या आएगा, 1, क्योंकि जब आप 17 में 9 को जोड़ रहे हैं और जोड़ने पे जो परिणाम 26 आ रहा है, उसे 26 को एडिशन मॉड्यूलो 5 से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर है वो क्या है, 1। तो यदि आपने ए और बी कोई दो इंटीजर लिए, इंटीजर्स के सेट जेड में, और इस पर कोई एडिशन मॉड्यूलो आपने अप्लाई करा, माना कि एम, तो यदि आप ए में बी को जोड़ते हैं एडिशन मॉड्यूलो एम के माध्यम से, तो आपको परिणाम में यहाँ पर रिमाइंडर मिलता है, शेषफल। लेकिन ये शेषफल कैसे प्राप्त होता है, जब आप ए और बी को ऑर्डिनरीली ऐड करते हैं साधारण तरीके से, तो साधारण तरीके से जोड़ने पर जो भी इंटीजर मिलता है उस इंटीजर को एम से डिवाइड करते हैं, और एम से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर मिलता है वो हम यहाँ लिखते हैं, जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने समझाया। अब देखिए जरा ध्यान से, हम जानते हैं कि ये इंटीजर्स का सेट है, ये पूर्णांकों का समुच्चय है, इस पूर्णांकों के समुच्चय पर हम कोई मॉड्यूलो अप्लाई करते हैं, माना कि मॉड्यूलो जो है वो 2 है, माना कि एडिशन मॉड्यूलो इस पर जो हम अप्लाई करने वाले हैं वो है एडिशन मॉड्यूलो 2, योग मॉड्यूलो 2। अभी मैं आपको एक डेफिनेशन समझा रहा हूँ कॉन्ग्रुएंसी की। ये जो कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन है, इसको समझने के बाद हम इक्विवेलेंसी क्लास समझेंगे। ताकि आप जीरो डिवाइजर को बहुत बेटर तरीके से समझ पाए। अब देखिए जरा ध्यान से, यदि मैं मॉड्यूलो m बराबर 2 चूज करता हूँ, आप देखिए कि 3 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, शेषफल क्या मिल रहा है मुझे, 1। इसी प्रकार यदि मैं 5 को भी 2 से डिवाइड करूँ तो 5 को भी 2 से डिवाइड करने पर 2 2 4 रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 1। आप देख रहे हैं कि जो रिमाइंडर 3 दे रहा है वही रिमाइंडर 5 भी दे रहा है 2 से डिवाइड होने के बाद। इसका मतलब 3 और 5 के रिमाइंडर सेम है जब 2 से डिवाइड कर रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि 3 और 5 को जब हम मॉड्यूलो 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें सेम रिमाइंडर मिलते हैं, समान शेषफल मिलते हैं। इसको हम कहते हैं समशेषता मॉड्यूलो। यहां पर समशेषता का मतलब ही है समान शेषफल। जब 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, जब 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो समान शेषफल मिलेंगे। इसी को हम इंग्लिश में कॉन्ग्रुएंसी मॉड्यूलो कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंसी मॉड्यूलो। तो दो इंटीजर ए और बी एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। दो इंटीजर्स ए और बी एक दूसरे से मॉड्यूलो एम के सापेक्ष कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। यदि दोनों ही एम से डिवाइड होने पर एक जैसे
शेषफल प्रदान करते हो। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, ध्यान से समझिए। दो इंटीजर्स ए और बी मॉड्यूलो एम के रिस्पेक्ट में क्या कहलाते हैं? कंग्रुएंट समशेष। यदि ए को भी एम से डिवाइड किया जाए और बी को भी एम से डिवाइड किया जाए तो दोनों एक जैसे शेषफल प्रदान करें। यदि ए को डिवाइड करने पर एम के द्वारा रिमाइंडर आर मिलता है तो बी को भी एम द्वारा डिवाइड करने पर रिमाइंडर आर मिलना चाहिए, मतलब ये दोनों बराबर होने चाहिए। तब हम कहते हैं कि ए और बी सम शेष हैं, मतलब समान शेषफल देने वाले इंटीजर्स हैं, जबकि उन्हें एम से डिवाइड किया जाए। मान लीजिए कि मॉड्यूलो हमने एम बराबर 5 लिया। आप देख रहे हैं कि जो इंटीजर 12 है और जो इंटीजर 7 है, अगर इंटीजर 12 को मैं मॉड्यूलो 5 से डिवाइड करता हूं तो मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा, देख लेते हैं। अभी 12 को 5 से डिवाइड करा, 5 टू जा 10, तो रिमाइंडर क्या मिला? 2। इसी प्रकार यदि हम 7 को भी 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमें क्या मिल रहा है? 5 वन ज़ा 5। और आपने देखा कि रिमाइंडर दोनों समान है, इसका मतलब जो रिमाइंडर, जो शेषफल 12 के द्वारा मिल रहा है वही शेषफल 7 के द्वारा मिल रहा है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे से क्या है? कंग्रुएंट है विद रिस्पेक्ट टू मॉड्यूलो एम, सॉरी मॉड्यूलो 5। आपने क्या देखा कि 12 और 7 ये दोनों के दोनों समान शेषफल प्रदान कर रहे हैं, दोनों के दोनों का जो रिमाइंडर आ रहा है वो 2 आ रहा है, जबकि हम उसे 5 से डिवाइड कर रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी मॉड्यूलो, समशेषता मॉड्यूलो। समशेषता मॉड्यूलो क्या होता है? दो इंटीजर ए और बी एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं यदि दोनों एम के द्वारा डिवाइड होने पर समान शेषफल प्रदान करते हों। ये डेफिनेशन थी कॉन्ग्रुएंसी मॉड्यूलो की। इसी डेफिनेशन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके फिर से समझाने वाला हूं, ध्यान से देखिए। अभी मैंने आपको बताया कि जो 12 है वो 7 से मॉड्यूलो 5 के रिस्पेक्ट में क्या है? कॉन्ग्रुएंट। कहने का मतलब क्या है कि जब 12 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 मिलेगा और 7 को भी 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि यह है हमारा रिमाइंडर शेषफल, फाइव वन जा 5, और यह है रिमाइंडर शेषफल। यदि हम 12 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो 12 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होता है? आप देखिए, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो रिमाइंडर कैंसिल हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और परिणाम में हमें क्या मिलेगा? 5 दूना 10, और 10 में से 5 गए 5। आपने ये देखा कि जो दो इंटीजर एक दूसरे से समशेष थे, जो दो इंटीजर एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट थे मॉड्यूलो 5 के रिस्पेक्ट में, यदि उन दोनों को आपस में घटाया जाए तो घटाने पर शेषफल 0 हो जाता है, क्योंकि घटाने पर शेषफल एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाते हैं। इस चीज को समझिएगा आप ध्यान से। हमें अलग अलग रिमाइंडर निकालने की जरूरत नहीं है। यदि हम इसमें से इसको घटाएं और घटाने पर जो परिणाम मिले, मैं क्या कह रहा हूं, यदि हम इस इंटीजर में से इस इंटीजर को घटाएं और घटाने पर जो परिणाम मिले, उस परिणाम में 5 से भाग देने पर पूरी तरह भाग चले जाना चाहिए। जैसे कि 12 में से 7 को आपने सब्ट्रैक्ट किया तो आपको 5 मिला, और जब आप इस 5 को उस 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। शेषफल क्या आएगा? 0, क्योंकि भाग पूरी तरह जा रहा है। अब मैं इस डेफिनेशन को मॉडिफाई करके बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। दो इंटीजर ए और बी एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं विद एडिशन मॉड्यूलो एम,
दो इंटीजर ए और बी एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं विद मॉड्यूलो एम, यदि यदि ए में से बी को घटाने पर जो भी परिणाम मिले, माना कि उसका नाम सी है, जो भी परिणाम मिले सी, उस सी में एम से भाग देने पर शेषफल जीरो आना चाहिए। मैं दोबारा कह रहा हूँ इसी बात को, ध्यान से समझिए। जब ए और बी कोई इंटीजर हो तो वो दोनों एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। यदि दोनों को आपस में घटाने पर जो भी परिणाम मिले वो परिणाम एम से पूरी तरह डिविजिबल होना चाहिए, मतलब एम से जब भाग लगाया जाए ए माइनस बी में तो शेषफल जीरो आना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि दो इंटीजर आपस में कॉन्ग्रुएंट है। अब मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ मैंने लिखा है कि 3 कॉन्ग्रुएंट टू 5 मॉड्यूलो 5, क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। क्यों? कारण क्या है? आप देख रहे हैं कि यहाँ 3 और यहाँ 5 है। अगर आप 3 में से 5 को डिवाइड करेंगे तो -2 बचेगा। क्या -2 में हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि भाग जाएगा ही नहीं, रिमाइंडर हमें जीरो नहीं मिलेगा। इसलिए 3 और 5 आपस में एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट नहीं है। मैं कुछ और एग्जाम्पल ले रहा हूँ। 38 3 मॉड्यूलो 5, क्या 38 3 से कॉन्ग्रुएंट है? देखते हैं 38 में से 3 को घटाने पर क्या बचता है? 35। इन दोनों को आपस में एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट किया तो क्या बचा? 35। क्या 35 में 5 से भाग जा रहा है? आप देखिए, बिल्कुल, रिमाइंडर क्या है? जीरो। इसका मतलब 38 और 3 आपस में एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि दोनों को आपस में घटाने पर जो परिणाम मिल रहा है वो परिणाम 5 से पूरी तरह डिविजिबल है। ये डेफिनेशन यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी की खत्म हुई। अब मैं आपको डेफिनेशन समझाने वाला हूँ इक्विवेलेंसी क्लास की। किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंसी क्लास क्या होता है? माना कि कोई इंटीजर्स का सेट है z -3 -2 -1 0 1 2 3 ... इस इंटीजर्स के कलेक्शन में से कोई सा भी एक इंटीजर अपनी मर्जी से चूज कर लीजिए। माना कि हमने कोई इंटीजर ले लिया x z के अंदर। अब हम एक मॉड्यूलो लेते हैं, माना कि कोई मॉड्यूलो इंटीजर है m। अब जेड में से ऐसे एलिमेंट, ऐसे सदस्य ढूंढ के अलग निकालेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, अब जेड में से ऐसे सदस्य ढूंढ कर अलग निकालो जो एक्स से कॉन्ग्रुएंसी रखते हों विद मॉड्यूलो एम। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इस बात को ध्यान से सुनिए। जेड में से उन सदस्यों को निकाल कर बाहर कर दीजिए और उनका एक नया कलेक्शन बना लीजिए जो एक्स से मॉड्यूलो एम के संदर्भ में कॉन्ग्रुएंसी रखते हो। मैं क्या कह रहा हूँ, इसको मैं लिखकर बताता हूँ। हम एक नए कलेक्शन का निर्माण कर रहे हैं। इस कलेक्शन में जेड के ही मेंबर हैं, लेकिन जेड के सारे मेंबर नहीं हैं। इस कलेक्शन में जेड के वे मेंबर वाई हैं जो एक्स से कॉन्ग्रुएंसी रखते हैं विद मॉड्यूलो एम। कहने का मतलब ये है कि जेड में से उन सारे एलिमेंट को ढूंढकर अलग निकाल लो जो एक्स से कॉन्ग्रुएंसी का रिलेशन रखते हो, समशेषता संबंध रखते हो मॉड्यूलो एम के सापेक्ष। अगर आपको ये डेफिनेशन अभी नहीं समझ में आई है, ये जनरल डेफिनेशन है थोड़ी, तो मैं एक एग्जांपल लेके आपको पूरा डिटेल में समझाता हूँ। मान लीजिए कि x की वैल्यू 0 है और आपने लिया है मॉड्यूलो 2। आपने मॉड्यूलो जो m चूज किया है वो क्या चूज किया है? 2। अब आप z में से ऐसे इंटीजर अलग निकालते जाना जो 0 से मॉड्यूलो 2 के संदर्भ में संबंध रखते हों। मैं क्या कह रहा हूँ, इसको समझते हैं अभी। क्या 0 0 से कॉन्ग्रुएंट है?
मॉड्यूलो 2 के संबंध में, बिल्कुल जीरो में से जीरो को घटाएंगे जीरो बचेगा, और इस जीरो को 2 से भाग लगाएंगे पूरी तरह भाग चला जाएगा, शेषफल जीरो बचेगा। इसका मतलब जीरो का खुद से संबंध है इसलिए जीरो इसके अंदर आएगा। अब जीरो के बाद अगला एलिमेंट हमने लिया 1, क्या 1 खुद से कॉन्ग्रुएंट है, सॉरी क्या 1 जीरो से कॉन्ग्रुएंट है? मॉड्यूलो 2 के अंतर्गत आप देखिए, जब जीरो में से 1 को घटाएंगे -1 बचेगा, जब आप 2 से डिवाइड करेंगे -1 को तो भाग जाएगा ही नहीं, और जब भाग नहीं जाएगा तो शेषफल जीरो नहीं मिलेगा। इसका मतलब जीरो और 1 आपस में एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट नहीं है मॉड्यूलो 2 के अंतर्गत। इसका मतलब ये हुआ कि 1 इस सेट में नहीं आएगा, क्योंकि इस सेट में रहने का अधिकार केवल उनको है जो जीरो से कॉन्ग्रुएंसी रिलेशन रखते हों, समशेषता संबंध रखते हों। अब बात करते हैं 2 की, क्या 0 2 से कॉन्ग्रुएंट है? बिल्कुल है, ध्यान से देखिए, 0 में से 2 को घटाएंगे -2 बचेगा, क्या हम -2 में भाग लगाएंगे जब 2 से तो शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा? 0। इसका मतलब 2 इस कलेक्शन में आएगा। अब हम बात करते हैं, पीछे चलते हैं थोड़ा, -1 को लेते हैं, क्या -1 0 से कॉन्ग्रुएंट है? क्या ऐसा संभव है जो मैं लिख रहा हूँ? नहीं, क्यों? क्योंकि जब 0 में से -1 को आप घटाएंगे तो आपको 1 मिलेगा, और 1 में जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो भाग जाएगा ही नहीं पूरी तरह, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, इसलिए इसके अंदर -1 नहीं है। अब देखिए ज़रा ध्यान से, -2 लेते हैं, क्या 0 -2 से कॉन्ग्रुएंट है? बिल्कुल है, क्योंकि 0 में से -2 को घटाएंगे तो हमें +2 मिलेगा, और जब आप 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो शेषफल 0 आएगा। इसका मतलब +2 तो कॉन्ग्रुएंट था ही, -2 भी कॉन्ग्रुएंट है। अब आगे देखिए, अब बात करते हैं उधर से 3 की, क्या 3 0 से कॉन्ग्रुएंट है? नहीं है, क्योंकि 0 में से 3 को घटाएंगे तो -3 बचेगा, और -3 को 2 से भाग नहीं दे सकते पूरी तरह, भाग नहीं जाएगा, क्योंकि -3 2 से डिविजिबल नहीं है, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, इसलिए -3 और 3 दोनों ही इसमें नहीं है। -3 के साथ भी वही होगा जो 3 के साथ था, दोनों के दोनों इसमें नहीं। अब आगे हम बात करते हैं 4 की, क्या 4 का 0 से कॉन्ग्रुएंसी रिलेशन है? बिल्कुल है, क्यों है? क्योंकि जब हम 0 में से 4 को घटाएंगे -4 बचेगा, और ये -4 में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो भाग पूरी तरह चला जाएगा, इसलिए इसमें 4 है। इसी प्रकार आप चेक कर सकते हैं आगे कि -4 भी इसमें है, 5 नहीं होगा, +6 -6 +8 -8 +10 -10, ये जितने भी इवन इंटीजर्स हैं वे सब के सब 0 से कॉन्ग्रुएंसी रिलेशन रखते हैं, जितने भी इवन इंटीजर्स हैं वे सब के सब 0 से कॉन्ग्रुएंसी रिलेशन रखते हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले जनरल फॉर्म में डेफिनेशन लिख के बताई थी, उसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ। यहाँ पर हमने जेड के सारे एलिमेंट नहीं लिखे हैं, यहाँ पर हमने जेड के सारे एलिमेंट नहीं लिखे हैं, केवल जेड के वे एलिमेंट वाई चूज करे हैं जिनका 0 से कॉन्ग्रुएंसी रिलेशन है विद मॉड्यूलो 2। मैं क्या कह रहा हूँ कि इस सेट के अंदर जेड के सारे एलिमेंट नहीं हैं, इस सेट में जेड के केवल वे एलिमेंट वाई हैं जिन एलिमेंट वाई का 0 से कॉन्ग्रुएंसी रिलेशन है, और जो 0 से कॉन्ग्रुएंसी रिलेशन नहीं रखते वो इस सेट में नहीं रहते हैं। आई होप सो कि आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, मैंने एक एग्जांपल आपको दिया है। अब हम 0 डिवाइजर की डेफिनेशन समझने वाले हैं, आप ध्यान से देखिए ये डेफिनेशन क्या है, क्योंकि इस डेफिनेशन के बिना हमें थ्योरम समझ में नहीं आएगी।
शून्य भाजक। क्या ऐसे कोई दो एलिमेंट पॉसिबल हैं? मैं कैपिटल लेटर से भी लिख रहा हूँ, स्मॉल से भी लिख देता हूँ, या फिर ऐसा करते हैं सिर्फ स्मॉल से लिख लेते हैं। क्या ऐसे कोई दो एलिमेंट पॉसिबल हैं जिनका जब हम गुणा करें तो गुणा करने पे जीरो आए, लेकिन वो दोनों एलिमेंट खुद जीरो ना हो? क्या ये पॉसिबिलिटी है? क्या ये संभव है कि ऐसे दो इंटीजर हमें मिले हैं जिनका गुणनफल तो जीरो हो लेकिन वो दोनों खुद जीरो ना हो? बिल्कुल पॉसिबल है। इसी का एक एग्जांपल मैं भी आपको दे रहा हूं। हम एक रिंग बना रहे हैं 2x2 मैट्रिसेस की। जितने भी 2x2 साइज के मैट्रिसेस हैं उनका एक कलेक्शन हमने तैयार किया, ए बी सी डी, ये 2x2 साइज के मैट्रिसेस हैं। वेयर, जहाँ पर ए बी सी डी रियल नंबर है, जहाँ पर ए बी सी डी वास्तविक संख्याएं हैं। हमने कैपिटल एम एक सेट लिया है मैट्रिसेस का, ये मैट्रिसेस का कलेक्शन है। जितने भी 2x2 साइज के मैट्रिसेस हैं इनकी जो एंट्रीज है मैट्रिक्स की, जो यहाँ पर प्रविष्टियाँ हैं, वो सारी प्रविष्टियाँ वास्तविक संख्याएँ हैं, रियल नंबर है। अब देखिए ध्यान से, आप चाहें तो ये प्रूव करके देख सकते हैं, अभी मैं बता नहीं रहा आपको कि ये जो मैट्रिसेस का कलेक्शन है ये एक रिंग होता है। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। अभी तो हम जीरो डिवाइजर की डेफिनेशन समझ रहे हैं, मैं ये प्रूव नहीं करके दिखा रहा कि ये रिंग है। आप चाहें तो प्रूव करके देख लीजिएगा। ये 2x2 साइज का मैट्रिसेस है, उस पर प्लस और डॉट ऑपरेशन हमने अप्लाई किया है। क्या इस मैट्रिसेस में ऐसे दो एलिमेंट हैं जो खुद नॉन जीरो हैं लेकिन उनका गुणनफल जीरो? देखिए ध्यान से, इसमें मैं दो एलिमेंट ले लेता हूँ, माना कि एक ए और एक बी। ए और बी हमने एम के अंदर ले लिया। आपने देखा कि मैंने दो एलिमेंट चूज किए हैं ए और बी मैट्रिसेस के कलेक्शन एम में। एम में 2x2 साइज के मैट्रिसेस हैं। क्या इसमें ऐसे दो मैट्रिक्स पॉसिबल है जो खुद नॉन जीरो हो, जो खुद नॉन जीरो हो लेकिन उनका गुणनफल जीरो हो? बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए, एक हमने ले लिया 2x2 साइज का मैट्रिक्स। आप देख रहे हैं कि ये कोई नल मैट्रिक्स नहीं है, ये कोई शून्य आवयव नहीं है, क्योंकि इसकी सारी एंट्रीज जीरो नहीं है, एक नॉन जीरो है, तो ये कोई नल मैट्रिक्स नहीं है। इसी प्रकार एक और मैट्रिक्स मैं ले रहा हूं बी। आप ध्यान से देखिए, इसकी भी सारी एंट्रीज जीरो नहीं है, तो ये भी नल मैट्रिक्स नहीं है, शून्य आवयव नहीं है। आपने ये तो देखा कि ये दोनों नॉन जीरो हैं, लेकिन इनका गुणनफल देखिए। जब आप इस कॉलम का इस रो में मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो में इसका मल्टीप्लाई जीरो, ये जीरो, और ऐड करेंगे जीरो। जब इस कॉलम का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो में इसका मल्टीप्लाई जीरो, वन का इसमें जीरो। जब इस कॉलम का यहाँ नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो जीरो। लास्ट कॉलम का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो जीरो। आपने देखा कि दोनों का गुणनफल से हमें नल मैट्रिक्स मिल रहा है। क्या मिल रहा है? नल मैट्रिक्स, शून्य आवयव, जबकि वो दोनों खुद जीरो नहीं थे। तो ऐसे एलिमेंट जो खुद तो एडिटिव आइडेंटिटी ना हो, ऐसे एलिमेंट जो खुद तो एडिटिव आइडेंटिटी ना हो लेकिन उनका गुणनफल एडिटिव आइडेंटिटी हो, ऐसे एलिमेंट को हम जीरो डिवाइजर कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरो डिवाइजर। अगर R कोई रिंग है, कोई वलय है, तो इस रिंग R में यदि ऐसे दो एलिमेंट A और B उपस्थित हो, इस रिंग R में ऐसे दो एलिमेंट A और B उपस्थित हो जो स्वयं तो नॉन जीरो हो लेकिन उनका प्रोडक्ट जीरो हो, ऐसे दो एलिमेंट को हम जीरो डिवाइजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं?
जीरो डिवाइजर्स शून्य भाजक। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जेड सिक्स का जीरो वन टू थ्री फोर फाइव। ये एग्जांपल उन स्टूडेंट्स को ही समझ में आएगा जिन्होंने पिछले सेमेस्टर में ग्रुप थ्योरी में एडिशन मॉड्यूल अच्छे से सीखा होगा। यहाँ पर सिक्स एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, लेकिन यहाँ पर एडिशन मॉड्यूलो क्या लगाया गया है, सिक्स, और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो भी क्या है, सिक्स। अब आप देखिए ध्यान से, क्या इस जेड सिक्स में ऐसे कोई एलिमेंट है जो खुद नॉन जीरो है लेकिन उनका गुणनफल जीरो है? बिल्कुल। आप देखिए तीन और चार जेड सिक्स में है, ये दोनों तो नॉन जीरो हैं, थ्री भी नॉन जीरो है और फोर भी, लेकिन आप देखिए इनका प्रोडक्ट, जब आप एडिशन मॉड्यूलो सॉरी मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो सिक्स के रिस्पेक्ट में फोर से मल्टीप्लाई करेंगे, जब तीन में चार से गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, बारह। और जब आप बारह को छः से मॉड्यूलो सिक्स से डिवाइड करेंगे, छः दूनी बारह, तो आपको शेषफल क्या मिला, जीरो। आपको पता है पिछले सेमेस्टर में आपने सीखा कि जब आप ए और बी का आपस में गुणा करते हैं मॉड्यूलो एम से, तो गुणा करते समय आपको क्या मिलता है, रिमाइंडर शेषफल। ये रिमाइंडर आपको कैसे मिलता है, जब आप ए और बी के साधारण गुणनफल को एम से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर यहाँ बचता है शेषफल, वही रिमाइंडर हम यहाँ लिखते हैं। तो जब आप तीन और चार को गुणा करेंगे तो गुणा करने पे 12 आएगा, और 12 में 6 से भाग लगाएंगे तो पूरी तरह भाग चला जाएगा, जिससे शेषफल आपको जीरो प्राप्त होगा। तो अभी आपने सीखा कि जीरो डिवाइजर्स क्या होते हैं। मैंने आज आपको अभी जीरो डिवाइजर की डेफिनेशन समझा दी है। ये वो डेफिनेशन थी जिसके बिना थ्योरम आपको समझ में नहीं आते। आपको डेफिनेशन सीखने की जरूरत नहीं है, अब हम डायरेक्ट थ्योरम पर आ जाएंगे। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस डेफिनेशन को हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।